हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं बजाज के शोरूम में और ये देखिए सामने है बजाज 250 जो अभी पिछले साल ही लॉन्च हुई है। और इस बाइक की बात करें तो 220 की जगह इसने ली है। 220 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और उसका डिसकंटिन्यू करने का कारण क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन उसकी जगह अब ये 250 आ रही है। 220 बिल्कुल आना बंद हो चुकी है। जहाँ तक की बात करें 220 का क्रेज बहुत ज़्यादा था, उसको पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा थे। और जब से ये 250 आई है तो मार्केट में ये तो बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो जितना पसंद लोग 220 को करते थे शायद उतना पसंद 250 को नहीं कर रहे हैं, चाहे इसके लुक वाइज हो, चाहे इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे कुछ भी हो। जितना लोग 220 को पसंद करते थे, चाहे उसके इंजन परफॉर्मेंस से लेके उसके एवरेज से लेके यहाँ तक कि उसके लुक को भी लोग काफ़ी पसंद करते थे, बट 250 शायद वो जगह नहीं ले पा रही है, इसलिए ये बहुत कम मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी बाइक अभी शोरूम में आपको खड़ी देखने को मिल जाएगी। और प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस भी काफ़ी हाई हो चुकी है और इस 250 की प्राइस जो है वो लगभग 1,67,000 के अप्रोक्स है ऑन रोड। ये हमारे सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी सिटी में ये प्राइस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन गाड़ी की बात करें तो देखने में बाहर से गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी बढ़िया लुक इसका मस्कुलर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये इतना मार्केट में चल नहीं पा रही है।